नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पश्चिम बंगाल की तरह ही बिहार में भी एनडीए में खेला होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इन अटकलों को हवा। राजद नेता तेज प्रताप यादव की हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात से मिली। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के जन्मदिन पर उनके बड़े बेटे और पार्टी विधायक तेज प्रताप यादव की एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से हुई मुलाकात ने बिहार की राजनीतिक कयासों में हवा दे दी है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद को कुछ दिन पहले जमानत पर रिहा किया गया था और वो अभी अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मिसा भारती के घर पर रह दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने पटना में मांझी के आवास पर 35 मिनट तक बंद कमरे में बैठक की। पार्टी सूत्रों ने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी ने बैठक के दौरान राजद प्रमुख से फोन पर बात की। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने राजनीतिक अटकलों को खारिज कर दिया है। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी और नेताओं के बीच इस तरह की बैठकें अक्सर होनी चाहिए। बैठक में कुछ भी राजनीतिक नहीं था और मैं एनडीए में हूँ। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा, मांझी मेरे अभिभावक हैं और मैंने मार्गदर्शन के लिए ये मुलाकात की है, लेकिन अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मांझी ने हाल ही में कई मुद्दों पर नीतीश सरकार की आलोचना की है। मई में मांझी के एक ट्वीट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें कोरोना से हुई मौतों को लेकर उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने ये मांग की थी कि बिहार सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाए, जिसे नीतीश सरकार ने ठुकरा दिया था। 1 जून को मांझी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को उनकी शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं दी थी। मांझी ने लालू प्रसाद को उनके जन्मदिन में भी बधाई दी थी। बधाई संदेश में मांझी ने लिखा था कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लंबी उम्र और हमेशा मुस्कान के लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी ये बार बार दोहराते रहे हैं कि मांझी का रुख आरजेडी की तरफ है, तभी तो वो बार बार नीतीश सरकार की आलोचना करते हैं। लालू प्रसाद की जमानत के बाद बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिला है। आपको बता दें कि 243 सीटों वाली विधानसभा में मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक है। मुकेश साहनी की एनडीए के सहयोगी विकासशील पार्टी के 4 विधायक हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक हैं। राजद के पास 75, कांग्रेस के 19 और 3 वाम दलों के पास कुल 16 विधायक हैं। अगर वे एक साथ आते हैं तो विपक्षी महागठबंधन को राज्य विधानसभा में 123 विधायकों का बहुमत मिल सकता है। एनडीए के पास फिलहाल 128 विधायकों का समर्थन है। मुलाकात के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नीतीश का पड़ला भारी रहेगा या लालू की वापसी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।